किस चीज के लिए दे रहे हैं वो 2-3 करोड़ रुपए, लेकिन वो पैसा इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि वो इस शर्त पे अड़े हुए थे कि एमएलए को आपको हमें हैंडओवर करना पड़ेगा, आज से एमएलए जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमारी कस्टडी में रहेगा। सही सारी बात एक साहब ने हुई, ये डागर साहब के घर पे हुई है साउथ एक्सटेंशन में। हां जी अभी एक सवाल इधर से स्ट्रिंग ऑपरेशंस के हिस्से में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और एमएलए के तरफ से भी प्रमोट किया जा रहा है चिंता मत करो 3-4 हैं। तो जब इन्होंने पूछा वो 3-4 कौन सी पार्टी के हैं, तो पहले उन्होंने कहा कांग्रेस के भी हो सकते हैं, इससे आपको क्या लेना देना है। तब इन्होंने कहा नहीं कंफर्म करके बताओ, तो वो किसी से फोन पे बात करता है और फोन पे बात करके कहता है नहीं कांग्रेस के लिए तुम्हारे ही है सारे के सारे। एक्चुअली ये पिछले 1 महीने से चल रहा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये ऑपरेशन केवल कल का नहीं है, पिछले 1 महीने से चल रहा है। वो लोग कॉन्टैक्ट 1 महीने पहले ये जो व्हाट इज द नेम, वो उसका नाम क्या, दहिया, दहिया जी दिनेश मोहनिया से मिलने के लिए आए थे। दिनेश मोहनिया ने तुरंत हम लोगों से संपर्क किया और जैसा मैंने परसों अनाउंस किया था, हमने दिनेश मोहनिया को कहा कि बात आगे बढ़ाइए। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले एक स्टिंग ऑपरेशन मीडिया को दिखाया है। हालांकि वीडियो और ऑडियो बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन इसमें दावा यही है कि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर अपने घर पर आम आदमी पार्टी के एक एमएलए दिनेश मोहनिया को बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें 4 करोड़ रुपए का ऑफर देते हैं। ये केजरीवाल का दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है। वीडियो और ऑडियो के बारे में हम पक्की तौर पर कुछ नहीं कह सकते, हालांकि इसकी जांच भी होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इस वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कौन है। आम आदमी पार्टी का दावा है न सिर्फ 4 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया उनके संगम विहार से एमएलए दिनेश मोहनिया को, बल्कि साथ ही उन्हें बीजेपी से अगले चुनाव के लिए टिकट का भी भरोसा दिलाया गया और ये भी कहा गया कि अगर चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं चेयरमैन बना देंगे। बस बात वहां जाकर अटक गई जहां बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि टोकन मनी ले लीजिए, लेकिन उसके बाद से एमएलए दिनेश मोहनिया हमारी कस्टडी में रहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं उसके लिए हमने मना कर दिया क्योंकि हमें लगा कि एमएलए की जान को खतरा हो सकता है। तो देख रहे हैं आप इस समय भी आपकी टीवी स्क्रीन पर वही वीडियो है स्टिंग ऑपरेशन का जो आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले दिल्ली में दिखाया है। दावा यही है कि बीजेपी के नेता शेर सिंह डागर आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे थे 4 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर से आपको बता दें दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को आप भी इस समय देख रहे हैं न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर। इसमें दावा अरविंद केजरीवाल का यह है कि आम आदमी पार्टी के संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया को दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी ने इसका वीडियो बना लिया है, स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है, खुफिया कैमरे में बीजेपी की इस कोशिश को कैद कर लिया है। और ये देखिए यही वीडियो आपके सामने है। केजरीवाल ने उसके बाद मीडिया से बात की है, कहा कि हमारे एमएलए को दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई, बीजेपी का अगले चुनाव के लिए टिकट देने का लालच दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर चुनाव में हार गए तो कहीं चेयरमैन बनवा देंगे। और फिर से आपको बता दें अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में हार गए तो कहीं चेयरमैन बनवा देंगे। और फिर से आपको बता दें अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले स्टिंग ऑपरेशन का यह वीडियो जारी किया है और यह बताया कि किस तरह 4 करोड़ रुपए में उनके एक विधायक को खरीदने की कोशिश की गई है। केजरीवाल ने दावा किया किसी भी कीमत पर बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने नहीं देंगे। कह रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का फुटेज वीडियो सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत करेंगे। अब देखना यह है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख सामने आता है। आपको यह भी बता दें कि ऐसे में जब बीजेपी दिल्ली में सिर्फ एलजी की तरफ से सरकार बनाने का न्योता
उसकी बाट देख रही है, उसका इंतजार कर रही है। ऐसे में अब इस वीडियो के सामने आने के बाद, स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद, बीजेपी अब क्या करती है, एलजी क्या करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। यह भी आपको बता दें, स्टिंग ऑपरेशन में जैसा आप देख सकते हैं, वीडियो और ऑडियो कुछ भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, इसीलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इस वीडियो में कौन है। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि इसमें दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर हैं और साउथ एक्सटेंशन में उनके घर पर आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया ने खुफिया कैमरे से इस वीडियो को बनाया है। और ये वीडियो पुराना भी नहीं है, कल परसों का ये वीडियो है, जिसमें बीजेपी के नेता शेर सिंह डागर, जो कि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, 2008 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे दिल्ली में मेहरौली से, वो अपने एक सहयोगी के साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को लालच दे रहे हैं 4 करोड़ रुपए का। और साथ ही ये भी बता रहे हैं दिनेश मोहनिया को कि हमारे साथ 4-5 और विधायक हैं जो आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। वीडियो में दावा यह भी किया गया है कि शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को यह भी बताया कि हम आपको जो ऑफर दे रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, हाईकमान की तरफ से है, अगर आप कहेंगे तो हम आपकी उनसे बात करवा देंगे, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिएगा कि उनकी रजामंदी है। अब हाईकमान से शेर सिंह डागर का क्या मतलब है यह साफ नहीं है। इसके बाद एक टेलीफोन पर हुई बातचीत भी आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन में सुनवाई है, जो कि शेर सिंह डागर के सहयोगी और दिनेश मोहनिया के सहयोगी के बीच है, जिसमें शेर सिंह डागर के सहयोगी कह रहे हैं कि टोकन मनी लेने के लिए आप आ जाइए, टोकन मनी लीजिए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उसके बाद बीजेपी चाहती थी कि एमएलए की कस्टडी उनको सौंप दी जाए, यानी एमएलए उसके बाद अपने घर पर नहीं रहेंगे, बीजेपी के कब्जे में रहेंगे, इसीलिए आगे की बातचीत उन्होंने नहीं बढ़ाई और टोकन मनी लेने वो नहीं गए, क्योंकि उनको डर था कि एमएलए और उनके सहयोगी को जान का खतरा हो सकता है। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, सबसे पहला ये कि अब आगे दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशों पर इस स्टिंग ऑपरेशन का क्या असर पड़ेगा। अगला कदम एलजी को लेना था, अगर बीजेपी की सरकार को बनवाना था, उनको न्योता देना था, तो अब एलजी क्या करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या एलजी की सिफारिश को मानेगा, राष्ट्रपति को मंजूरी देगा, और क्या राष्ट्रपति एलजी को मंजूरी देंगे बीजेपी को बुलाने के लिए। कुंदन सिंह जुड़ गए हमारे साथ वहीं से जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। कुंदन, जाहिर है अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ केजरीवाल आए थे और दावा यही कर रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद वो किसी भी कीमत पर सरकार बनाने नहीं देंगे दिल्ली में बीजेपी को। क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी को भरोसा है पूरा कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी? कुंदन, देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ है, आम आदमी पार्टी ने जिस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया है और लोगों के बीच लेके गई है, मुझे लगता है कि एक संदेश देने की कोशिश है बीजेपी के कम से कम आला कमान को कि अगर इस तरीके से सरकार बनाती है तो उनकी फजीहत होगी, उनके राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा और लोगों के बीच में जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और उनका अगला चरण आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये कहेंगे कि किस तरीके से एक दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर एक पार्टी विशेष के नेता उनके विधायकों को खरीद कुंदन आपको रोकूंगा, कुंदन आपको रोकूंगा, लालच दे रहे हैं, तमाम तरह के प्रबलोबन दिए जा रहे हैं।